दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। आगामी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। वहीं किसानों के लिए कृषि मंत्री का बड़ा ऐलान है, तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में अब संडे लॉकडाउन खत्म हो गया है। अब रविवार को कोई बंदिश नहीं होगी, रविवार को भी बाजार खुलेंगे, सिर्फ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। आदेश जारी हो गया है। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में एक्टिव केस 1000 से भी कम हो गए हैं, 35 जिलों में एक भी नया केस नहीं आया है, संक्रमण दर 0.06% तक रह गई है। इसका मतलब प्रदेश से कोरोना संकट खत्म हो रहा है, लेकिन तीसरी लहर को हमें ध्यान रखना होगा। तीसरी लहर का भी हम इसी प्रकार से मुकाबला करें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें ताकि तीसरी लहर प्रदेश में आए ही ना। वहीं शिव कुमार शर्मा जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार को सबक सिखाएंगे। शिव कुमार शर्मा किसान नेता है। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय शिव कुमार जी ने कांग्रेस का सपोर्ट किया था। कांग्रेस ने कई बार शिव कुमार जी को किसानों के संबंध में बातचीत करने के लिए अपने मंत्रालय में बुलाया था, लेकिन शिव कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से खपा हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हम सबक सिखाएंगे। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में कि शिव कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को, मध्य प्रदेश सरकार को क्या सबक सिखाते हैं। वहीं फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन को आप सभी जानते हैं। रवीना टंडन जी मध्य प्रदेश को देखने आई थी, मध्य प्रदेश के पर्यटन को देखने आई थी। उन्होंने बांधवगढ़ में आज सैर किया है। बांधवगढ़ में उन्हें 5 बाग देखने को मिले। मध्य प्रदेश प्राकृतिक दृष्टि से बहुत सुंदर है, आप सभी जानते हैं। पचमढ़ी है, बांधवगढ़ है, खजुराहो है, सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश देश का दिल होने के साथ साथ बहुत ही सुंदर और आकर्षित है। इसलिए पर्यटक चाहे वो विदेशी हो या फिर देसी, मध्य प्रदेश को देखने के लिए इस दौरान सावन के महीने में या बारिश शुरू होने के दौरान जरूर आते हैं। तो उसी के दौरान रवीना टंडन जी आई है और उन्होंने मध्य प्रदेश को देखा, बांधवगढ़ को देखा, उन्हें 5 बाग देखने को मिले, इसलिए वे बहुत खुश हुई हैं। वहीं भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हेमंत करकरे को देशभक्त मानने से इनकार किया है। प्रज्ञा ठाकुर जी भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि हेमंत करकरे देशभक्त नहीं है। पिछले कुछ दिनों पहले चर्चा आई थी कि हेमंत करकरे को देशभक्त घोषित करना चाहिए, लेकिन भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर हेमंत करकरे को देशभक्त नहीं मानती। ये राजनीति में सब चलता है। वहीं मध्य प्रदेश के 5 शहरों को मिला है स्मार्ट सिटी योजना के तहत इनाम। 11 अवार्ड प्राप्त हुए हैं। वे शहर हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, सागर और जबलपुर। इन 5 शहरों ने प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश के 5 शहर ने इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 में बेहतर प्रदर्शन कर एक बार फिर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। तो अच्छी बात है हम प्रदेशवासियों के लिए। इस प्रकार से प्रदेश का हर जिला यदि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत या किसी भी तरह से अपना नाम प्रख्यात करता है तो प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात होती है। वहीं मध्य प्रदेश के महिला थानों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। अब मध्य प्रदेश में सभी महिला थानों के पुलिसकर्मी मानव तस्करों पर भी कार्रवाई करेंगे। एमपी में मानव तस्करों को पकड़ने की जिम्मेदारी महिला थानों को दी गई है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अभी तक महिला थानों में सिर्फ महिला संबंधी अपराधों की ही जाँच होती थी, लेकिन अब वे मानव तस्करों पर भी लगाम कस सकेंगे। मध्य प्रदेश में 42 महिला थाना स्थापित किए गए हैं। वे जिले हैं धार, छतरपुर, देवास, बालाघाट, विदिशा, खरगोन, बैतूल, मुरैना, शहडोल, छिंदवाड़ा, राजगढ़, रायसेन, गुना, होशंगाबाद, सिवनी, शिवपुरी, सीहोर, खंडवा, भिंड, सिंगरौली, सीधी, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, अनूपपुर, मंदसौर, नरसिंहपुर, डिंडोरी, अशोकनगर, दतिया, साजापुर, अलीराजपुर, हरदा, बड़वानी, मंडला, नीमच, उमरिया, बुरहानपुर, झाबुआ, आगरमालवा, श्योपुर और निवाड़ी। इन 42 महिला थानों में पुलिस कर्मियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो अच्छी बात है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि महिला थानों की प्रदेश में और संख्या बढ़ाएंगे, इनमें पुलिस कर्मियों की भर्ती भी की जाएगी, तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है। वहीं आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी अब एससी एसटी वर्ग को साधने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने तैयार किया है मास्टर प्लान। आगामी चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने सरकारी कर्मचारी, किसानों और युवाओं के साथ अब निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव 2030 को ध्यान में रखते हुए एससी एसटी वर्ग पर फोकस किया जा रहा है। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले
SC ST वर्ग को साधने के लिए BJP नए एक्शन प्लान की तैयारी कर रही है ताकि 2023 में कोई चूक न हो और प्रदेश में पुनः BJP वापसी कर सके। इसका उदाहरण शुक्रवार को भोपाल स्थित BJP कार्यालय में हुई अनुसूचित जाति मोर्चा बैठक में देखने को मिला। भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने बताया कि प्रदेश में SC ST वर्ग को BJP प्राथमिकता देती है और आबादी प्रतिशत के लिहाज से ये भी बड़ा वर्ग है। शुक्रवार को हुई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक में इन वर्गों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन बैठकों में इस बात पर चर्चा की गई कि इन वर्गों के लिए किस तरह की नीतियों और कार्यक्रमों की जरूरत है, इन वर्गों के बीच में BJP के संगठन को किस तरह से सुदृढ़ किया जा सकता है और सरकार के स्तर पर इन वर्गों के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बैठकों में हुई चर्चा के आधार पर पार्टी इन वर्गों के लिए अपना रोड मैप तैयार करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को लाभ पहुंचाएगी। वहीं BJP के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग में कई जातियां और उपजातियां हैं, सभी जातियों और उपजातियों तक BJP की पहुंच बने इस पर बैठक में मंथन किया गया। उनके बीच भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की स्थापना के लिए भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में अनुसूचित जाति के राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक एवं शैक्षणिक तथा रोजगार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते BJP से हैं और ये SC ST से हैं। उन्होंने कहा है कि SC ST वर्ग के BJP से दूर होने की वजह कांग्रेस का भ्रम था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। BJP ने बहुत काम किया है, पर कांग्रेस ने भ्रम फैलाकर इस भोले भाले वर्ग के लोगों को भ्रमित किया है। इसी भ्रम के चलते मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में BJP को नुकसान हुआ था और कांग्रेस की सरकार बन गई थी। अब BJP दोनों वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है, विकास के लिए आगे की योजनाओं पर विचार और मंथन करके आगे आने वाले उपचुनाव में, आगे आने वाले निकाय चुनाव में, आगे आने वाले पंचायत चुनाव में दोनों मिलकर काम करेंगे, तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है। वहीं समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के बीच कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को दिए बड़ी राहत, तो चले सुनते हैं कृषि मंत्री कमल पटेल को लाइव। मैं पहले किसान हूं, बाद में मंत्री हूं और सिर्फ किसान की तरह सोचता हूं कि अगर किसान क्या चाहता है, किसान चाहता है उसको अच्छा बीज मिल जाए, अच्छी दवाई मिल जाए, अच्छा खाद मिल जाए, समय पर मिल जाए, उसको समय पर पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, ताकि वो इतना मेहनत करता है कि अनाज तो उत्पादन कर ले, उत्पादन होने के बाद में उसकी फसल उचित मूल्य पर बिक जाए, ताकि वो खेती घाटे के लिए लाभ का धंधा कर ले। और किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, किसान आत्मनिर्भर होगा तो मजदूरों को भी काम मिलेगा, किसान के खलिहान में खेत में फसल अच्छी होगी तो अनाज सरकार को भी मिलेगा और बाजार में भी मिलेगा, जिससे लोगों को दोनों टाइम का भोजन मिलेगा, सब्जी और दूध मिलेगा। अभी इस कोरोना के विश्वव्यापी संकट में उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय सब बंद, स्कूल कॉलेज ऑफिस टोटल बंद रहा, सिर्फ एक क्षेत्र खुला था, वो था गांवों किसान। कल्पना करो, जैसे उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय बनते हैं, किसान भी अपने घर में बैठ जाता, मजदूर भी घर में बैठ जाता कि अपने में लॉकडाउन, जैसे शहर के लोग बैठे घर के अंदर, तो दोनों टाइम का भोजन कहाँ से मिलता, सब्जी कहाँ से मिलती, दूध कहाँ से मिलता, पानी पानी। और इसलिए 130 करोड़ लोगों को इस कोरोना के संकट के समय दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध की व्यवस्था करके जिंदा रहने वाला कोई है देश में, ये अन्नदाता किसानों की आपत्ति करने के लिए। और इसलिए किसान इस देश की आत्मा है, किसान इस देश की रीढ़ है, रीढ़ मजबूत होती है आदमी की तो खड़ा हो सकता है और प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकता है। अगर दुनिया की प्रतिस्पर्धा में भारत को दुनिया का नंबर एक राज्य बनना है तो भारत की ही किसान उसको मजबूत करना होगा, उसको स्वावलंबी बनाना होगा, उसको आत्मनिर्भर बनाना होगा, और वही कार्य भारतीय जनता पार्टी का सरकार में आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है 2022 तक किसान की आय हम दोगुना करेंगे। हमारे गांव गरीब और किसानों के मसीहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी किसान के बेटे,
उन्होंने भी संकल्प लिया है कि हम मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, गांव गरीब और किसानों की पार्टी भारतीय बीच में बीच। और इसलिए जिस नीतियों के कारण किसान की खेती घाटे की थी उन नीतियों को बदलना, जिन व्यवस्था के कारण किसानों की खेती घाटे की थी उन व्यवस्थाओं को बदलना, और जिससे किसान की खेती लाभ का धंधा बन जाए ऐसे नियम कानून बनाना और व्यवस्था बनाना, वही काम हमने किया। आप हम सब किसान हैं। आप बताइए, जब मैं मंत्री बना 21 अप्रैल को मुझे शपथ दिलाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुझे मंत्री का दायित्व दिया। 22 अप्रैल को मुझे कृषि मंत्री का दायित्व दिया मुख्यमंत्री जी ने। 26 अप्रैल को मैं मंत्रालय गया, ऑफिस में उनमें जाके बैठा और मेरे पास मेरे प्रमुख सचिव आए और कहा सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।